दो प्लेयर्स गिरा दिए यूएमए के साथ के साथ, एक अकेला प्लेयर रहेगा सभी के लिए बचाओ, बिकॉज पान सिंह पहले फिनिश हो चुके थे, दैट इज गोना बी समथिंग। एंड ऑन द अदर साइड यहां पर TS72 वर्सेस ऑरेंज रॉक होता, मावी के हाथ में ग्रेनेड है, दिक्कत ऑब्वियसली यहां पर देना चाहेंगे। एंड ये जो लेजेंडरी फाइट हम बोल रहे थे यहां पर अर्ली स्टेज में दिखती हुई मावा जीगॉड को हल्का सा डैमेज हुआ ग्रेनेड ने, चाहे नॉक नहीं किया बट डैमेज जरूर निकाला। क्लच गॉड भी अपने ग्रेनेड निकालते हुए नियो ऊपर आ चुके, गेटिंग द अपर हैंड, बट कैन ही गेट द अपर हैंड द फाइट, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। यहां पर जीगॉड उसी का इस्तेमाल करते हुए जॉनथन ग्रेनेड को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, बट अभी के लिए कोई भी डैमेज नहीं दिया गया इन फाइट्स के अंदर। बट ये फाइट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है। जॉनथन राइट साइड पर आप देख सकते हैं वैम्पायर पीछे के एरिया पर थोड़े से शॉट्स लिए जा रहे हैं एज ऑफ नाउ, बट जीगॉड पीछे से गाड़ी को लेकर क्या वो वेट कर रहे हैं कि प्लेयर्स जा रहे हैं या फिर क्या सीनरी यहां पर दिख रहा है, लेकिन एक और गोली अगर लगती है तो मुश्किल हो सकती थी। बट TS72 जीगॉड इज स्टिल गोना बी सेफ आउट देयर। जॉनथन ऊपर के एरिया पर आ रहा है, क्लच गॉड फिर स्टिल थोड़ा सा पीछे के एरिया पर, ऑब्वियसली यू नो छत का जो एरिया है ये क्लच गॉड ने अच्छे से होल्ड कर रखा है, जैसे कोई प्लेयर पीछे की तरफ को आता है इट कैन बी गुड थिंग। एंड आई गेस उन्होंने वैम्पायर को स्पॉट कर लिया, स्पॉट एज इन पता चल चुका है। वहां पर मोलोटोव ने डैमेज करना शुरू कर दिया, मोलोटोव इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन, एंड मोलोटोव के पास काफी ज्यादा करीब यहां पर वैम्पायर, अगर ग्रेनेड होता तो ये एक बल्क डैमेज देकर जाता वैम्पायर को, वैम्पायर को वहीं पे नॉक किया जा सकता। और सेम चीज जीगॉड के बारे में भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस रिज के पीछे उन्होंने अपनी कार पार्क करी थी वहां पे अगर एक नेट तब चले जाता तो फिर जीगॉड भी इस फाइट से बाहर होते और फिर TS72 को 3-4 ये फाइट लेनी पड़ती। बट अभी के लिए जीगॉड हील कर चुके हैं, वैम्पायर भी हील कर चुके हैं, अपने आसपास स्मोक लगा के वैम्पायर थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश, बट TSM के प्लेयर्स उसके ऊपर डाइव अप करते हुए एक के बाद एक। एंड जॉनथन अगर डाइव करते तो सामने सीधा प्लेयर को नीचे गिराते हैं एंड वैम्पायर को इंस्टेंट नॉक और फिनिश किया जाएगा। ऑरेंज रॉक के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी, और TSM के प्लेयर्स एक एक करके ऑरेंज रॉक के सारे प्लेयर्स को फ्लश आउट करने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। नियो ने एक प्लेयर को आउटर पे स्पॉट आउट किया था, बट जीगॉड को वहां पे नॉक डाउन किया जाएगा एंड द फिनिश कम्स इन एज वेल। ऑरेंज रॉक 3v3 की सिचुएशन में नंबर्स को लेकर आती भी, और जो फाइट अनबैलेंस चली गई थी हल्की सी उसको बैलेंस यहां पे कर दिया गया है, वापस से बैलेंस किया गया फाइट को। लेकिन अभी के लिए दूसरी साइड मेगा वर्सेस MZZP होता हुआ आप देख सकते हैं, किल फीट पूरा का पूरा एक तरीके से डांस कर रही है यहां पर। एंड यहां पर ऑरेंज रॉक जैसे कि आपने बोला परफेक्टली बैलेंस एज ऑल थिंग शुड बी, वही चीज यहां पर निकल कर आ चुकी है। TS72 नियो स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, टीवी का काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर निकल कर आता है। दूसरी साइड वहां पर ऑरेंज रॉक के प्लेस के लिए मुश्किल हो सकती है, हो चुकी है, वीरू डाउन हो जाते हैं, दिलजीत फाइट लेते हैं, क्लच गॉड को डाउन किया, मावी की हेल्थ काफी कम एंड पूरा ऑरेंज रॉक का सफाया। TS72 मिराबार इज देयर मैप, वो स्टेटमेंट बना चुके हैं पीछे से अगर आप